Good morning, children. I am your UKG class teacher. I teach you math subjects. This is your math book, maths primer. अब मैं आपके बुक को ओपन कर रही हूँ बच्चों. बच्चों आज मैं आपको आपकी बुक का चैप्टर थर्ड पढ़ाऊंगी, टॉप एंड बॉटम. ओके, टॉप एंड बॉटम में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होते हैं. टॉप मीन्स होता है ऊपर, एंड एंड मीन्स और, बॉटम BOTTOM बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे होता है. ओके बच्चों, तो टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे. ये देखिए, ये तस्वीर दिया हुआ है. ओके, आप देखो यहाँ कि बर्ड इज ऑन द टॉप. ये बर्ड जो है टॉप पे है, ऊपर में है ना, तो बर्ड इज ऑन द टॉप, ऊपर में है बर्ड, टॉप पे है. और ये लड़का देखो नीचे खड़ा है, तो साम इज एट द बॉटम. साम कहाँ है? नीचे. बॉटम का मतलब नीचे होता है. ओके, देखिए आपके बुक में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सी द पिक्चर्स एंड राइट T for टॉप ऑब्जेक्ट्स एंड B for बॉटम ऑब्जेक्ट्स. इस बॉक्स में आप देखो एक पेड़ है, उस पर नेस्ट है. ओके, नेस्ट में बर्ड है, तो बर्ड जो है नेस्ट में है, तो कहाँ है? नीचे या ऊपर है? ऊपर है ना नेस्ट, तो ऊपर में है, तो ऊपर को क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं. और एक बर्ड नीचे में दाना खा रही है, दाना चुभ रही है, तो ये कहाँ है? नीचे. तो नीचे को क्या बोलते हैं? बॉटम. बॉटम मीन्स नीचे. आप नेक्स्ट पिक में देखिए, इस बॉक्स में दो पिक दिए हुए हैं. ये बर्ड जो है ना स्काई में फ्लाई कर रहा है, फ्लाई मीन्स उड़ना. ओके, उड़ रहा है, तो ये बर्ड कहाँ उड़ रहा है बच्चों? टॉप में ना. टॉप मीन्स ऊपर, हमने आपको बताया ना, टॉप, टॉप मीन्स ऊपर. तो ये बर्ड स्काई में फ्लाई कर रहे, ऊपर में फ्लाई कर रहे. ओके, और ये देखो एक घर है, घर से बाहर गाय है, और गाय नीचे, घर से बाहर नीचे बैठी हुई है. तो कहाँ बैठी हुई है? बॉटम में ना. बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे बैठी हुई है. अब इस बॉक्स में देखो दो पिक दिख रहे हैं आपको, एक बॉक्स है, एक ट्री है, ट्री में जो है ये एक पेड़ है, पेड़ में अंगूर फला हुआ है, ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर. ओके, तो ये ग्रेप्स कहाँ है फला हुआ? टॉप में ना. टॉप मीन्स ऊपर, हमने आपको बताया टॉप मीन्स ऊपर, तो टॉप में है. और ये फॉक्स कहाँ है? बॉटम में. बॉटम मीन्स नीचे, पेड़ से नीचे है. ओके, आप इस बॉक्स में देखो बच्चों, ये घर है, ये रोड है, घर के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है. एरोप्लेन मीन्स क्या होता है? हवाई जहाज. ओके, तो ये ऊपर में फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है. फ्लाई मीन्स हमने बताया उड़ना, तो ये ऊपर में फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो कहाँ उड़ रहा है? टॉप में ना. टॉप मीन्स ऊपर. ओके, और ये गाड़ी जो है कार, ये रोड पे चल रही है, तो कहाँ चल रही है? बॉटम में. बॉटम मीन्स नीचे. ओके, तो आज मैं आपको इसे कंप्लीट करवाऊंगी. सी दी पिक्चर्स एंड राइट T for टॉप ऑब्जेक्ट्स एंड B for बॉटम ऑब्जेक्ट्स. इस बॉक्स में आपको बताना है कि कौन टॉप ऑब्जेक्ट है और कौन बॉटम ऑब्जेक्ट है. ओके चिल्ड्रेन, तो ये बर्ड देखिए, ये जो है ना, ये कहाँ है? बॉटम में है या टॉप में है? नीचे जो दाना चुभ रही है, तो ये बॉटम में है. तो क्या लिखेंगे इस बॉक्स में? B for बॉटम. ओके, ये नेस्ट में बर्ड है, तो कहाँ है नेस्ट? टॉप में ना. तो इस बॉक्स में लिखना है T for टॉप. ओके, अब देखो इस बॉक्स में देखो, ये बर्ड फ्लाई कर रही है स्काई में. ओके, तो फ्लाई कहाँ कर रही है? स्काई में ना, मतलब ऊपर, टॉप. तो टॉप मीन्स ऊपर, तो इस बॉक्स में T लिखना है, T for टॉप. और ये जो गाय है, घर से नीचे बाहर बैठी हुई है, नीचे बैठी हुई है ना, तो कहाँ बैठी हुई है? नीचे बैठी हुई, तो बॉटम. ओके, बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे. ठीक है बच्चों, अब ये देखो इस बॉक्स में, ये लोमड़ी कहाँ है? पेड़ के ऊपर है या नीचे है? बॉटम में है, तो B लिखेंगे, B for बॉटम. और ये ग्रेप्स कहाँ है पेड़ में? ऊपर है ना, तो T लिखेंगे, T for टॉप. टॉप मीन्स ऊपर. ओके, एरोप्लेन को देखो, ये एरोप्लेन कहाँ है? टॉप में या बॉटम में? टॉप में, T for टॉप. टॉप मीन्स ऊपर में है. और ये कार, ये B for बॉटम. बॉटम मीन्स नीचे है. ओके चिल्ड्रेन, तो टॉप एंड बॉटम में हमने आपको डिफरेंस बताया.
आज तो आप जान गए टॉप मीन्स क्या होता है एंड बॉटम मीन्स क्या होता है। ओके थैंक यू चिल्ड्रेन, ये आपका क्लास कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी। ओके थैंक यू।